अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनोसलवा, जिसमें आज बना रही हूँ चॉकलेट मफिन्स। रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वाले से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का बटन ही प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को ठीक है एक बाउल मिक्स कर लूँगी। मेरे पास यहाँ पर 2 कप मैदा है, इसे स्टैंडर्ड में ऐड कर दूँगी। हाफ कप कोको पाउडर, 1 कप शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सब कुछ ऐसे पहले मिक्स कर लूँगी छान के। चलिए अब मैं क्या करूँगी, तमाम के तमाम जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स उनको ऐड करूँगी। मेरे पास यहाँ पे 2 अंडे हैं, 1 by 1 ऐड करूँगी तोड़ के इसे। हाफ कप ऑयल, 1/2 कप मिल्क, 2 टीस्पून वनीला एसेंस। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि सब चीज़ें जो तरह से मिक्स हो जाएं, एक जान हो जाए। चल देंगे, ठीक है, सब कुछ ऐसे मैंने मिक्स कर लिया। अब क्या करूँगी, मैं इसके अंदर जो हमारे पास ड्राई मिक्सर था उससे ऐड करती जाऊँगी, साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। ठीक है, एक साथ सारे डालने, लम्स नहीं बनने चाहिए। बस साथ से सारा मिक्सर जो मैं इसमें ऐड करके मिक्स कर दूँगी। चलो ठीक है, तो कम अच्छा मिक्स कर लिया। मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट चिप्स है इससे ऐड करूँगी और ब्लैक भी ऐड करूँगी। मर्जी है, आप दोनों डालें या एक डालें, आपकी अपनी चॉइस पर है। ठीक है, थोड़ी सी अंदर मिक्स कर रही हूँ, बाकी मैं ऊपर ऐड करूँगी। ब्लैक चॉकलेट चिप्स है, इसे भी अच्छा ऐड के दोनों अच्छे से मिक्स करूँगी। सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है, उसके बाद में से जो है लाइनिंग लगे हुए हमारे जो कप ट्रे है उसमें ऐड कर दूँगी। उसको अब मैं इस तरह से लाइनिंग लगी हुई ट्रे है मेरे पास, ठीक है, इसमें मैं ऐड करती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा फिल नहीं कीजिएगा, फिर राइज होने के बाद फिर ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी मिक्सर था इसका मफिन्स का, उसको मैंने इस तरह से पेपर कप में ऐड कर दिया है और थोड़े से उसके ऊपर से मैं वाइट चॉकलेट और ब्लैक चॉकलेट चिप जो है मज़ीद ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ओवन में रख दिया था प्रीट होने के लिए 180 सेंटीग्रेड पर, और इसको 180 सेंटीग्रेड पर ही बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है, बाकी टेम्परेचर अपने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब जो भी ओवन है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बस इसे मैं डाल के ओवन रख दूँगी बेक करने के लिए। चलें जी, चॉकलेट मफिन्स बिल्कुल रेडी है, इसे मैंने सर्व कर दिया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप कि पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।